बात करेंगे वो सभी जरूरी स्टेप्स के बारे में जिनकी हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से वेंडिंग मशीन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसे ग्रो कर सकते हैं। कोविड के बाद से कॉन्टैक्टलेस हाइजीन, सेफ और इंस्टेंट बाइंग ऑप्शंस की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है। वेंडिंग मशीन बिजनेस अपने सिंपल, कन्वीनियंट और प्रॉफिटेबल होने की वजह से नए और एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स की पसंद बनता जा रहा है। तो आइए आप देखते हैं कि कैसे आप अपने शहर में वेंडिंग मशीन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप वन, अपने टारगेट ऑडियंस की पहचान कर लें। आपको ये देखना होगा कि किस कस्टमर्स को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर स्टाफ या डॉक्टर्स एटसेट्रा। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कस्टमर्स किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ताकि आप उन्हीं की जरूरत के अनुसार वेंडिंग मशीन में सामान लगाएं, जिससे आपकी सेल्स अच्छी होगी और कस्टमर्स को अच्छा बाइंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक हॉस्पिटल में वाटर बॉटल्स, रेडी टू ईट आइटम्स, स्नैक्स, जूसेस एटसेट्रा लगा सकते हैं और एक ऑफिस में आप फ्रेश फूड भी प्रोवाइड कर सकते हैं ब्रेकफास्ट और लंच में। जिम जैसी लोकेशंस पर आप एनर्जी बार्स, एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट सैलेड एटसेट्रा सेल कर सकते हैं। दालचीनी सभी बड़े और नए ब्रांड्स और सेलर्स के साथ जुड़ने में आपकी पूरी मदद करता है, ताकि आप आसानी से सारा सामान सही मार्जिन पर खरीद पाए। स्टेप टू, सही लोकेशन को चुनना। लोकेशन एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है वेंडिंग मशीन बिजनेस के लिए। आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां पर लोगों का फुटफॉल ज्यादा हो, जैसे कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एटसेट्रा। अगर आपकी वेंडिंग मशीन ऐसी लोकेशन पर लगी हुई है जहां लोग बहुत ही कम आते जाते हैं और उसकी विजिबिलिटी भी ठीक नहीं है, तो आपकी सेल्स काफी कम होगी। इसके अलावा लोकेशन के वेयर हाउस से दूरी, आसपास कौन कौन से दूसरे वेंडर्स हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा लोकेशन डिसाइड करते समय। अगर आपके पास कोई लोकेशन नहीं है तो दालचीनी आपको लोकेशन आइडेंटिफाई और अरेंज करने में भी हेल्प करता है। स्टेप थ्री, जरूरी लाइसेंसेस को लेना। वेंडिंग मशीन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होती है, जैसे FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, ट्रेड लाइसेंसेस एटसेट्रा। आप ये सभी लाइसेंस अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ले लें, ताकि आप अपना बिजनेस बिना किसी लीगल इशू के चला सकें। हमने वेंडिंग मशीन लाइसेंसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टेप फोर, वेंडिंग मशीन पार्टनर को चुनना। वेंडिंग मशीन बिजनेस के लिए आप वेंडिंग मशीन परचेज कर सकते हैं या फ्रेंचाइज मॉडल के थ्रू ले सकते हैं। दालचीनी आपको एक स्मार्ट कॉम्बो वेंडिंग मशीन लगभग 1.5 लाख रुपए में प्रोवाइड करती है। इस वेंडिंग मशीन में आप स्नैक्स, बेवरेजेस, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, स्वीट्स, फ्रेश फूड, हेल्थ प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी आइटम्स एटसेट्रा सेल कर सकते हैं। दालचीनी वेंडिंग मशीन सभी जरूरी फीचर्स जैसे कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग, रिमोट मॉनिटरिंग, डिजिटल पेमेंट्स एटसेट्रा को सपोर्ट करती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी वेंडिंग मशीन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना वेंडिंग मशीन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेंडिंग मशीन भारत में एक सक्सेसफुल बिजनेस के रूप में उभर रहा है और ये बिल्कुल सही वक्त है जब आप इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें और इसे अपनी सिटी में स्टार्ट करें और इस नई टेक्नोलॉजी यानी अनमैन्ड रिटेल का हिस्सा बने। वेंडिंग मशीन से जुड़ी किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए आप दालचीनी से संपर्क कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।